हाँ जी बाबा, हाँ ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। हाँ जी, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। हाँ तो और उनके संकल्प से गेट भी खुलेगा। हाँ, ब्रह्मा के संकल्प से गेट भी खुलेगा। क्या गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? गेट खुलेगा। गेट माने, गेट माने क्या है? गेट माने घर नहीं, गेट माने दरवाजा। अभी दरवाजे की बात आई ना। हाँ, ये सड़क का द्वार है क्या है? सड़क का द्वार क्या है? सड़क का द्वार है क्या है? नहीं, स्वर्ग का द्वार है महाभारत। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। सामान्य भारत नहीं, क्या महाभारत। भारत तो है बहुत, भारतवासी बहुत हैं, लेकिन वो महाभारत है। महाभारत, महाभारत किसका नाम है? अरे महाभारत नाम किसका है? हैं? हाँ, उसका नाम है जो सच्चाई के लिए सदैव युद्ध करता रहता है। सारा जीवन उसका सच्चाई के लिए युद्ध भूमि है, तो नाम दिया है महाभारत। वो गेट अभी बंद है या खुला हुआ है? हैं? अभी बंद है। कैसे बंद है? बंद कैसे है? है? बंद कैसे है? है? लोग बंद गेट में घुसेंगे या खुले हुए गेट में घुसेंगे? खुले हुए गेट में धड़ाधड़ घुसते चले जाएंगे, और बंद गेट में आएंगे, टकराएंगे, फिर वापस जाएंगे। तो जो निश्चय निश्चय आता है, इसे क्या साबित होता है? गेट बंद है या खुला हुआ है? अभी भी गेट, गेट बंद है। ये गेट वे टू हेवन इज महाभारत, ये गेट बंद है। तो ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, और आगे क्या बताया? ब्रह्मा के संकल्प से, संकल्प से गेट खुलेगा। तो ये ब्रह्मा कैसा है जो संकल्प ही नहीं करता कि गेट खुल जाए? है, कौन है ब्रह्मा जो गेट खुलने नहीं देता? है, संकल्प करता ही नहीं गेट खुल जाए। कौन है ब्रह्मा? है, ब्रह्मा जिनके जिनके नाम है, प्रजापिता ब्रह्मा अलग, लेकिन ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। उन बहुत ब्रह्मा जिनके नाम है, उनमें पहला नंबर कौन है? जगदम्बा। यज्ञ के आदि में शिव बाप जब आए तो किसका आधार लिया है? प्रकृति का आधार लिया है। जिस जड़त्व में ही प्रकृति का आधार लिया, वो प्रकृति माता हो गई। जड़त्व में ही माता है या चैतन्य बुद्धि है? है, जड़त्व में ही माता है। लेकिन मुर्दे को कोई माता कहता है क्या? है, तो कैसी माता भी चाहिए? चैतन्य माता भी चाहिए, जो कुछ समझे। तो चैतन्य माता कौन हुआ? नहीं, वो तो संपन्न रूप है, वो तो ब्रह्मा नहीं है। विष्णु को ब्रह्मा नहीं कहा जा सकता। विष्णु माने जिसमें नो विषय टाल, विषय वासना का नाम निशान नहीं। तो ब्रह्मा कौन है? वो चैतन्य चित्त शक्ति वाला है। कौन? अरे प्रजापिता ब्रह्मा है ना। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा है, वो है पहला ब्राह्मण। ब्रह्मा कौन है असली? जगदम्बा है ब्रह्मा, और प्रजापिता ब्रह्मा है पहला ब्राह्मण। तो वो ही हुआ गेटवे टू हेवन इज महाभारत। परंतु ब्रह्मा संकल्प क्यों नहीं करता कि गेट खुल जाए?
अरे अभी तक तो पूरे ज्ञान नहीं। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा सहन कौन करता है? है माताएं बहुत ज्यादा सहन करती है। परिवार में सबसे जास्ती सहन करने वाला सदस्य कौन होता है? है अम्मा होती है। आज की जो अम्माएं हैं वो भले उतना ज्यादा सहन न करती हो, लेकिन जो पहले की अम्माएं थी, दादी अम्मा जिनको कहा जाता है, दादी अम्मा परदादी अम्मा, वो ज्यादा सहन करती या आज वाली अम्माएं ज्यादा सहन करती? है पहले वाली अम्माएं। तो जो उन पहले वाली अम्माओं में जन्मबाई 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 जन्म जन्म सबसे ऊपर चले जाओ, वो पहले नंबर की अम्मा कौन है? वो तो पिता है। हाँ जगदम्बा। तो जगदम्बा में सहन शक्ति बहुत है। क्या जगदम्बा में बहुत सहन शक्ति है? वो सीता का पार्ट है, है? किसके कंट्रोल में आ जाती है? रावण के कंट्रोल में आ जाती है। रावण के कंट्रोल में आने के बावजूद भी बहुत सहन करती है, है? तो सहन किस बेसिस पे कर रही है? हाँ अभी जो जगदम्बा का पार्ट है वो अंतिम जन्म का पार्ट है या पहले जन्म का पार्ट है? पूर्व के पहले जन्मों का पार्ट है या अंतिम जन्म का पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट दो पार्ट हुए ना, एक तो सत्व प्रधान पार्ट जगदम्बा है जिसे दुर्गा कहते हैं दुर्गुणों को दूर करने वाली, और एक है तमो प्रधान पार्ट कलयुग का जिसे महाकाली कहते हैं। तो जो जगदम्बा का पार्ट है वो कौन सा पार्ट है इस समय? अंतिम अंतिम स्टेज का पार्ट है अभी, नहीं महाकाली। महाकाली होगी तो फिर क्या करेगी? असुरों का संघार काटमार मचाए देगी, फिर तो हाहाकार फैल जाएगा, फिर तो अम्मा माँ 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 कह के चिल्लाएंगे जोर जोर से। अभी चिल्लाते हैं? अभी नहीं चिल्लाते हैं। इसका मतलब है तो जगदम्बा का ही पार्ट, लेकिन आखिरी पार्ट है सहन शक्ति का। तो जब तक अंतिम क्षण की सहन शक्ति है तो कलयुग के अंत में अम्माएं जो होती हैं वो बप्पा से लड़ाई लड़ती है कि नहीं लड़ती है? आ? लड़ती है, लड़ेंगी कि लड़ती है? अंत में लड़ती है, अभी नहीं लड़ती है। अभी घर घर में अम्माओं की लड़ाई नहीं हो रही है, है? हो रही है ना। तो जितनी भी अम्मा है उन सब की अम्मा कौन? जगदम्बा। वो तो घोर घनघोर लड़ाई लड़ रही होगी कि नहीं लड़ रही होगी? संकल्पों से घनघोर लड़ाई लड़ रही होगी या थोड़ी मोड़ी लड़ाई? है घनघोर लड़ाई लड़ती है। तो जब लड़ाई लड़ेगी तो फिर स्वर्ग का गेट खोलेगी या बंद करेगी? बंद रहने देगी? है बंद पड़ा रहे, अभी मेरे में सहन शक्ति बहुत है। क्या? हाँ तो अभी भी स्वर्ग के गेट खुले नहीं हैं। तो माता जी पूछ रही हैं, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई ब्राह्मणों की, तो पहला ब्राह्मण कौन पैदा हुआ? प्रजापिता। जो पहला ब्राह्मण पैदा हुआ वो ही महाभारत का रूप है, हैं? महाभारत का गेट है। तो जो महाभारत का गेट है वो अभी बंद है या खुला हुआ है? बंद गेट है, और बंद करने का संकल्प किसके अंदर है? हैं? जगदम्बा के अंदर स्वर्ग का गेट बंद बना रहे अभी। क्या वो गेट अभी नहीं खुलेगा, फिर कब खुलेगा? है सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है या नहीं होती है? हाँ जब आती की सहन शक्ति धारण करनी पड़ेगी, सीमा से बाहर हो जाएगा तो फिर स्वर्ग का गेट तब खुल जाएगा, क्योंकि माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलती है। तो अभी माताएं थोड़ा बहुत सुख ले रही हैं कि नहीं जिंदगी का? अभी स्वर्ग का सुख दुनिया का ले रही हैं, तो
तो जब तक दुनिया में स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे, कब तक? जब थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, जब बिल्कुल ही दुख हो जाएगा, चारों तरफ से दुखी ही दुख हो जाएगा, एक एक संबंध ही दुखदाई हो जाएगा, तब स्वर्ग के गेट। तो ब्रह्मा फिर कौन सा संकल्प करेगा है? अब तो स्वर्ग का गेट खुल जाए, अब नहीं सहा जाता। तो आपका प्रश्न क्या था है? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रचा, ब्रह्मा के संकल्प से गेट खुलेगा। गेट खुलेगा तो गेट समझ में नहीं आया, इसलिए आपने पूछा है। तो अभी गेट बंद है। जो ब्रह्मा है वो असली ब्रह्मा प्रकृति का रूप है, हैं? और जो प्रकृति के पांच तत्व हैं, वो अभी तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। वो रावण के पांच रूप हैं, जो मंदोदरी के पांच सिर दिखाए जाते हैं, हैं? पांच सिर पुरुष के और पांच सिर स्त्री के रूप मंदोदरी। तो अभी मंद बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? मंद बुद्धि है। वो क्या समझती है? गेट खुलेगा नहीं। नहीं, वो समझती है कि मनुष्य सुख दे सकते हैं। क्या मनुष्य क्या दे सकते हैं? सुख दे सकते हैं। लेकिन मुरली में भी क्या आया? कोई मनुष्य क्या नहीं कह सकता अपने को मीठा नहीं कह सकता, कोई मनुष्य सुखदाई अपने को नहीं कह सकता, सारे मनुष्य मात्र अभी दुखदाई हैं। इस दुनिया में एक ही परमात्मा पार्ट है जो सारी दुनिया के लिए सुखदाई साबित होगा, और बाकी सब कड़ुए साबित हो जाएंगे। और बाबा परमात्मा प्रत्यक्षता बम कहते हैं ना, परमात्मा माना प्रजापिता, सिर्फ परमात्मा प्रत्यक्षता बम कहते हैं। परमात्मा माना प्रजापिता, तो सिर्फ परमात्मा प्रत्यक्षता बम कहते हैं, कुछ राज है क्या? यही राज है कि परमपिता आ गया है, ये तो ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं। लेकिन वो परमपिता जो शब्द पहले आता है, परमपिता कि परमात्मा पहले आता है? परमपिता पहले, परमात्मा बाद में। ऐसे क्यों नहीं कहते परमात्मा परमपिता? क्यों नहीं कहते ऐसे? क्यों नहीं कहते शंकर शिव? क्या कहते हैं? शिव शंकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़ा पहले और छोटा बाद में। तो परमपिता पहले, जो पिताओं का भी पिता है, जिसका दुनिया में कोई पिता नहीं, जिसको सब कहें कि ये ऊंचे से ऊंचे पिता यही है, गॉडफादर। तो उसके लिए कहेंगे वो ऊंचे से ऊंचे है परमपिता, और उसके बाद ऊंचा परमात्मा। तो जो परमात्मा है पार्ट, क्या बोला? बम्ब। परमपिता बम्ब नहीं, परमात्मा बम्ब। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारियां परमपिता आ गया है ये तो जान गई, ये बम्ब नहीं है। क्या? वो तो सारी दुनिया मानती है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर सर्वव्यापी है, तो ये कोई बम्ब नहीं है। बम्ब क्या है? है क्या छुपा हुआ है? हाँ, जो छुपा हुआ है वो ये छुपा हुआ है कि वो परमपिता किस में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा, ये बम्ब है। क्या? अभी जो आठ प्रश्न निकले ना, उन प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है? हैं? ब्रह्मा कुमारियां ये तो कहती हैं क्या कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक व्यापी कहां है? वो एक तो बताओ। तो वो परमात्मा बम्ब अभी फटा नहीं है। क्या एडवांस वाले भी वो पोस्टर तो छपा रहे हैं, लेकिन पोस्टर छपाना अलग बात और उस बात को संसार के सामने क्लियर करके दिखा देना, प्रत्यक्ष करके दिखा देना, साबित करके दिखा देना, ये अलग बात।
तो वो परमात्मा बांबा भी फटा नहीं है। हाँ, तो परमात्मा माना प्रजापिता, सिर्फ परमात्मा प्रतिष्ठा बांब कहते हैं। हाँ, कुछ राज है क्या? यही राज है कि वो परमात्मा अभी पक्का पक्का किसी के सामने 100% प्रत्यक्ष नहीं है। कोई कहेगा? हाथ उठाओ, कौन कहेगा कि प्रत्यक्ष है? है? आज विश्वास बैठता है और कल कल अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो सब किया कराया, गुरु गोबर कर दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर जन मठ में चक्कर नहीं आते? नहीं आते। हाँ, जन्म माने ज्ञान में आना, जन्म माने ज्ञान में आना, और मरण माने अज्ञानी बन जाना। क्या इस समय जो ब्रह्मा जिस तन में मुख्य पार्ट बजाय रहा है वो निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सर पे दिखाते हैं ना, तो जिसके सर पर दिखाते हैं वो निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? निश्चय बुद्धि है। तो उसका सदैव ही जन्म है कि मृत्यु भी होती है? है? वो सदैव ही जिंदा है या मृत्यु भी होती है? जिंदा होना माने निश्चय बुद्धि और मृत्यु माने अनिश्चय बुद्धि। तो वो भाल चंद्र जिसके मस्तक पर चंद्रमा है वो पार्टधारी अभी निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि, जिंदा है या मृत्यु में है? निश्चय नहीं ना, पूरा निश्चय। प्रजापिता को पूरा निश्चय नहीं है? हाँ, तो उसी की तो बात हो रही है, है? जिसके मस्तक पर चंद्रमा है वो, चंद्रमा की बात नहीं हो रही है, है? हाँ, तो जो शंकर जो है, शंकर जो पार्टधारी है वो निश्चय बुद्धि है, जिंदा है या मर गया? वो एक ब्राह्मण ये नहीं कहेंगे कि वो मर गया। अगर वो भी खत्म हो जाएगा तब तो खेल ही खलास हो जाएगा, फिर तो देवों देवताओं की दुनिया आने वाली है ही नहीं। अच्छा, अब रहा दूसरा पार्ट, उसके मुख पर चंद्रमा है, तो जो चंद्रमा है वो ब्रह्मा की सोल है या नहीं? चंद्रमा है तो शंकर है, अगर चंद्रमा नहीं है तो भालचंद्र नहीं है, शंकर नहीं है, तो वो भी जिंदा है। क्या उसके लिए भी नहीं कहेंगे मर गया, जीवित ही कहेंगे ना? और तीसरा क्या? विष्णु। विष्णु कौन है? विष्णु है या नहीं है? कौन है फिर विष्णु? है, ये ब्रह्मा और शंकर तो एक ही शरीर के अंदर हो गए, फिर विष्णु कौन है? आज की मुरली में ही बता दिया है? अरे मुरली में बता दिया, अर्ध क्या बताया? अर्धनारीश्वर है। क्या अर्धनारीश्वर का मतलब है? कि आधा शरीर जो है वो स्त्री चोला है और आधे में परम पुरुष प्रवेश है, तो पुरुष भी है और वो स्त्री चोला भी है, इसलिए वो कंबाइंड होने के कारण विष्णु रूप है या नहीं है? है? इसलिए मुरली ने बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो तेरे पर विष्णु लागू होता है या नहीं लागू होता है? है? विष्णु भी है, वो अभी ब्रह्मा भी है तो विष्णु भी है तो शंकर भी है, वो त्रिमूर्ति शिव है। इसलिए एक को याद करो, कोई दूजम को याद न करो। हाँ, और बाबा राम नाम को जाने के लिए ना पुण्य का खाता नहीं रहना और पाप का खाता नहीं, पुण्य का खाता नहीं रहना, पाप का खाता भी नहीं रहना। अभी पाप का खाता आत्मा के ऊपर ज्यादा चढ़ा हुआ है या पुण्य का खाता ज्यादा चढ़ा हुआ है? पाप का खाता गठरी बहुत बड़ी हो गई, और पुण्य का खाता तो
बहुत थोड़ा, कहीं कहीं कभी कभी अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है, है? तो कौन सा खाता उदय होता है? जब अच्छी अवस्था बन जाती है कभी कभी, तब कौन सा खाता उदय होता है? है? पुण्य का खाता उदय होता है। और अवस्था डाउन होती जा रही है या चढ़ती जा रही है? डाउन ही होती जा रही है, जब से ज्ञान में आए हैं, जब से जन्म लिया है, जब से निश्चय बुद्धि बने। तो पापों का खाता बढ़ रहा है या पुण्य का खाता बढ़ रहा है? है? श्रीमत की बरखिलाफी की और एक गुना बोझ चढ़ता है कि सौ गुना बोझ चढ़ता है? सौ गुना बोझ चढ़ जाता है। तो उस हिसाब से पापों का खाते की वृद्धि हो रही है या घटोतरी हो रही है? वृद्धि हो रही है, पापों की वृद्धि हो रही है। तो पापों का खाता बहुत बढ़ रहा है और पुण्य का खाता ना के बराबर। अब आगे चल के और ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे तो पुण्य का पलड़ा हल्का होता जाएगा और पाप का पलड़ा भारी होते 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 एकदम जमीन पर बैठ जाएगा। बट्टा बैठेगा या उठ जाएगा? है? बट्टा बैठ जाएगा। तो पुण्य की तो बात ही छोड़ दो। अब क्या, अभी पुण्य आत्मा तो कोई है ही नहीं, सब पापात्मा है। माया ने सबको पापात्मा बनाई दिया। अब पाप की बात करो कि पाप की गठरी खत्म हो जाए तो हम परम धाम में जाए। तो पाप की गठरी के लिए बता दिया कि जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं, क्या, जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो जो भी बच्चे हैं नंबर वार नजदीकी, नजदीकी या दूर वाले, नजदीकी, उनके पाप का खाता बाप के सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघनाश है। अब कोटि जन्म तो कल्प कल्पांतर में हुए होंगे, उन्हें तो पता नहीं है कि जन्म कितने होते हैं। 84 जन्म होते हैं तो 84 जन्म में भी 21 जन्म में तो पाप ही नहीं होते। पाप कितने जन्म में होते हैं? 63 जन्म की बात करना चाहिए, लेकिन भक्तों ने क्या कह दिया, कोटि जन्म अघ, करोड़ों जन्मों के पाप विनाश हो जाते हैं। तो करोड़ों जन्मों के पाप नहीं कहे बल्कि 63 जन्मों के पाप विनाश हो जाते हैं। कब? जब बाप 100% सन्मुख प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो मुरली में बोला, जो सामने आए, जो देखे, जो कानों से सुने, वो कहे ये मेरा बाप। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, अभी कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का बाप आ गया, लेकिन कहेंगे हमें तो भगवान नहीं मिला, मिला होगा ब्रह्मा कुमारियों को, हैं? लेकिन तब क्या कहेंगे? हाँ, हरे कोई हर धर्म वाला जो भी आएगा, जो भी सुनेगा, वो कहेगा मेरा बाप आ गया। तो तब कहेंगे सन्मुख बाप जब अनुभव हो जाए 100%, तब कहेंगे पापों की गठरी खत्म हो गई और फिर हम परमधाम, आत्मा हल्की हो गई। गठरी का बोझ जब उतर गया तो आत्मा हल्की हो गई या भारी है? हल्की हो गई। ऊपर उड़ेगी या नीचे रहेगी? अभी बोझ है तो कहाँ पड़े हैं? बार बार बुद्धि को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, 1-2 सेकंड, 2-5 सेकंड ज्यादा जाए, 1-2 मिनट ऊपर, बाकी फिर नीचे। क्या करें? कोई ज्यादा ताकत लगाता है ना, किसी के ऊपर वजन रखा हो, ज्यादा ताकत लगाएगा तो थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाएगा। जैसे सीरियल में दिखाते हैं, रावण ने पहाड़ उठाया, कैलाश पर्वत उठाया, तो उठाता था बहुत सारी ताकत लगा दे रहे तो ऊपर उठा थोड़ा और फिर नीचे। तो यही हालत है। अभी कोई पूरा ऊपर परमधाम में जा ही नहीं सकता, उसके लिए क्या करना पड़े? है? बाप का चरित्र पहचान। हाँ, बाप के सन्मुख हो जाएं हम सदा काल के लिए। अभी थोड़े समय के लिए सन्मुख अनुभव होता है, अरे ये सारे अखबार तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, हैं, सारे टीवी चैनल ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऐसे ऐसे बोल रही हैं, हैं, हमारे सारे रिश्तेदार देखो कैसे कैसे खराब खराब बोलते हैं, हैं, पड़ोसी ऐसे ऐसे बोलते हैं,
अरे जरूर कुछ दाल में काला है। तो जब दाल में काला अनुभव होता है तो अनिश्चय पैदा हो जाता है। अनिश्चय पैदा हुआ माना मर गए। और बाबा चित्र अंत में एक छोटा सा भूकंप होता ना बाबा है, चित्र अंत में षष्ठी के अंत में त्रेता के अंत में छोटा सा नहीं आधा विनाश होता है, अर्ध विनाश, पूरा विनाश नहीं आधा विनाश होता। हाँ तो देवता, हाँ जो देवताएं हैं जो उनकी दिव्य दृष्टि है वो खलास हो जाती। माने इब्राहिम जैसे ही उतरता है वो विविचारी दृष्टि बना देता है सबकी। तो दिव्य दृष्टि जो पवित्र दृष्टि है कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, वो वहां से व्यभिचारी दृष्टि शुरू हो गई। जब दृष्टि व्यभिचारी हो जाती है तो वृत्ति भी वातावरण भी व्यभिचारी बन जाता, फिर कर्मेंद्रियां भी व्यभिचारी बन जाती। भूकंप आने के बाद तो, हाँ भूकंप आने के बाद सब नीचे उतर जाते हैं, अवस्था खराब होगी। जब भूकंप हो जाए दुनिया तो अवस्थाएं खराब होंगी या अभी की तरह बनी रहेंगी? अभी तो फिर भी क्लास करते हैं, रोज रोज मुरली सुनते हैं, संगठन में याद में बैठते हैं, वातावरण थोड़ा अच्छा बनता है। फिर जब भूकंप होता है तब ये सब खला, तो अवस्था नीचे ही गिरेंगी फिर। और तो वहां होता है अर्ध विनाश, आधा विनाश होता है। उतना बड़ा विनाश अभी दुनिया में कभी हुआ नहीं है 2500 वर्ष के अंदर। जितना 2500 वर्ष पहले विनाश हुआ था वो विनाश अभी अभी नहीं हुआ है 2500 वर्ष के अंदर। हाँ होना है धीरे 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 धीरे, और बड़ा होता जाता है विनाश का रूप। आगे चल के क्या होगा रोज सुनेंगे, रोज टीवी में देखेंगे, आज इस शहर में आग लग गई, एटम बम फट गया, आज उस शहर में आग लग गई, सारा शहर बर्बाद हो गया, रोज टीवी में देखते रहेंगे सुनते रहेंगे, तो बड़े विनाश की तरफ दुनिया जाएगी। आखिरी 5-7 रोज ऐसा टाइम भी आएगा एकदम पूरा ही धमाका खलास, खेल खलास, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। बड़े से बड़ा भूकंप जिसे मैं माउंट आबू भी खलास। और ये माउंट आबू जो अभी देख रहे हैं ये माउंट आबू द्वापर युग में ऊपर आया है। क्या द्वापर के आदि में ऊपर आ गया, उससे पहले ये भी समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। और जल्दी जल्दी बोलो। बाबा एक वार्ता में बोला है कि बाबा ने मुख्य 4 चित्र बनवाए, तो उस वार्ता में उन 4 चित्रों का नाम बताया, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, झाड़ और सीढ़ी। परंतु बाबा सीढ़ी का चित्र तो बुद्धियोग के आधार पर बनवाया गया। बनवाया किसने है? बनाया गया तो बुद्धियोग के आधार पर, लेकिन वो बुद्धि किसने दी? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन? शिव बाबा। बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा। और शिव बाबा जो है वो कलयुग के अंत में आता है तो भारतवासियों को ज्यादा बुद्धि देता है या विदेशियों को ज्यादा बुद्धि देता है? है? ज्यादा बुद्धिमान कौन होते हैं? विदेशी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। विदेशियों में भी जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होती हैं,
या वो ऊपर से आने वाली आत्माएं जिनमें प्रवेश करती हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होती है, है? जब शिव बाबा आते हैं तो ऊपर से आने वाली आत्माएं तो अभी उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान आया हुआ है, अभी भी पता है उन धर्मपिता को तो पता ही नहीं। हाँ वो जिसमें प्रवेश करते हैं वो अभी बैठे हुए हैं बीके में आधार मुहूर्त में, है कि नहीं है? वो आधार मुहूर्त में बैठे हुए हैं, लेकिन वो आधार मूर्त ज्यादा बुद्धिमान है या उन आधार मूर्तों को भी जो जन्म देते हैं द्वापर में वो ज्यादा बुद्धिमान है? वो ज्यादा बुद्धिमान हुए बीज रूप आत्मा, वो कहां बैठी है? है एडवांस में बैठी हुई, तो उन्हीं की बात है ये। तो उनमें है एक मुख्य चित्र त्रिमूर्ति, एक लक्ष्मी नारायण, एक झाड़, एक सीढ़ी। तो सीढ़ी का चित्र बुद्धियों के आधार पर बनवाया, सीढ़ी का जो चित्र है वो किसके द्वारा बनवाया गया? कोई बुद्धिमान बच्चा है, बुद्धिमान बच्चा कलयुग के अंत में, उसके द्वारा बनवाया। तो कौन हुआ? जो विदेशियों का बीज है, विदेशियों में भी ज्यादा बुद्धि किसकी चलती है, इस्लामियों की या क्रिश्चियंस की? हाँ क्रिश्चियंस ज्यादा बुद्धिमान है, इस्लामी तो काम विकार भोगते भोगते ठर बुद्धि हो गई। तो वो क्रिश्चियंस का जो आधार मूर्त आत्मा है उसके द्वारा सीढ़ी का बड़ा चित्र तैयार होकर के आया। हाँ बुद्धियों के आधार पर बनवाया गया था, तो सीढ़ी का चित्र का नाम क्यों लिया, षष्ठी चक्र का नाम क्यों नहीं लिया? अरे त्रिमूर्ति है तो उसमें मुख्य पार्टधारी कौन है जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो जाता है? त्रिमूर्ति के चित्र में वो मुख्य पार्टधारी कौन है जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो जाता है, स्वर्ग के गेट खुल जाते हैं, वो कौन सी मूर्ति है? शंकर। नहीं शंकर द्वारा खुलता है कहीं पर? ब्रह्मा के, ब्रह्मा सो ब्रह्मा में भी कोई अव्वल नंबर है जो पहले विष्णु बनता है, कौन है? जगदम्बा विष्णु का रूप बनती है या वैष्णवी देवी विष्णु का रूप बनती है? वैष्णवी देवी, जो पुरुषार्थ ज्यादा करके दिखाए वो अव्वल नंबर ब्रह्मा। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, जो विष्णु पहले बनता है, अव्वल नंबर विष्णु बनता है, वो विष्णु के हाथ में कौन सा शस्त्र दिखाया जाता है? चक्र दिखाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र है तो उसमें सुदर्शन चक्र तो है ही, और त्रिमूर्ति का चित्र है तो भी उसमें विष्णु का सुदर्शन चक्र तो है ही, वो अलग से चित्र है ही नहीं, इसलिए उसको अलग से नहीं गिन सकते, वो एक ही चित्र है जो दोनों मिलकर के एक बनते हैं। हाँ मुरली ने बोला है दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं, फिर विनाश क्यों इम्प्योरिटी से गाया हुआ है? अच्छे काम प्योरिटी से होते हैं या बुरे काम भी प्योरिटी से होते हैं? है अच्छे काम प्योरिटी से होते हैं। स्वर्ग काय से स्थापन होता है? प्योरिटी से स्वर्ग स्थापन होता है, और नरक विचार से उत्पन्न होता है, तो वो इम्प्योरिटी हो गई। तो इम्प्योरिटी में जाने वालों में अव्वल नंबर कौन है? हैं? कहते हैं शंकर ने विष पिया, वो इम्प्योरिटी की इंतहा कर देता है, अति कर देता है। तुम बच्चे इतनी अति नहीं कर पावेंगे, तुम्हारे बस का रोग नहीं है जो दुनिया का विनाश हो जाए। दुनिया का विनाश चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? है? चाहते तो है, लेकिन फिर करने के लिए कोई तैयार है? है कि जब विचार सागर मंथन से विष का घड़ा निकलता है तो सब देवताएं असुर भाग खड़े होते हैं, है? कौन पीने के लिए तैयार होता है? एक ही है
जो उसको पीने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो विनाश का कार्य अच्छा कार्य सब समझते हैं या बुरा कार्य समझते हैं? अच्छा समझते हैं। अच्छा अच्छा समझते हैं, भागते को आई के लिए अच्छा कार्य कर ले ना, भागी बना ले हैं? अच्छा कार्य है, ऐसे झूठ झूठ बोल दिया है? शंकर करे थे ना सर्ग स्थापना बने। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा कार्य है तो करो, नहीं करोगे? हाँ हाँ, नहीं करेंगे। तो सारा काम दुनिया का प्योरिटी से होता है, तो विनाश क्यों इम्प्योरिटी से गाया हो? तो काम का मतलब है दुनिया के अच्छे अच्छे काम सब प्योरिटी से ही होते हैं, और जो गंदे काम है वो माँ काली के मंदिर में दिखाए जाते हैं। भैंसा कहाँ कटता हुआ दिखाएंगे? कौन से मंदिर में? महाकाली के मंदिर में। बकरा कहाँ कटता हुआ दिखाएंगे? महाकाली के मंदिर में। तो वहां तो तेल मांस खून बिखरा ही हुआ रहता है। तो ये महाकाली का काम है क्या? क्या काम? विनाश का काम। फिर नाम शंकर का क्यों लगा दिया? शंकर द्वारा विनाश है, है? हाँ, शंकर जो है कराते तो शंकर ही हैं, प्रेरणा तो शंकर की ही मिलती है, लेकिन करने वाली शक्तियां बनती है। अरे एक मुरली में सत्यभामा जामवंती और कर्मा देवी का नाम लिया, तो ये कर्मा देवी कौन है? रुक्मिणी का नाम क्यों नहीं लिया? अरे कर्म जो किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं? अकर्म कैसे किए जाते हैं? है? कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। कर्मेंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? है? जो बहुत पावरफुल है, बहुत खतरनाक भी है, काम इंद्रिय। तो जो काम इंद्रिय है वो ही मुख्य है ना? है? जो काम इंद्रिय मुख्य है उसी का बीज तो कर्मा देवी होगी। कर्मा देवी किसका बीज होगी? काम इंद्रिय का बीज होगी। तो बताओ कि इस्लाम धर्म की वो बीज रूप आत्मा कौन सी है जो कर्मा देवी के नाम से प्रत्यक्ष होती है? हा? जो मणि बनते बनते उस कामेंद्रिय के कारण ही मणि बनते बनते रुक गई है, रुक्मणि, वही तो कर्मा देवी है। कर्मा देवी कोई दूसरी थोड़े ही है, जो कर्मेंद्रियों से बहुत कर्म करती है वही कर्मा देवी है। कर्मेंद्रियों से सबसे जास्ती सुख भोगती है वही कर्मा देवी है। और बोलो, अच्छा बताओ असली राम राज्य कहाँ होता है? संगम युग में होता है या त्रेता में होता है? संगम युग राम राज्य होता है। राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, राम राज्य में किसी को दुख नहीं होता। संगम युग में दुख होता कि नहीं है? संगम युग में दुख होता है तो उसे असली राम राज्य थोड़े ही कहेंगे। हाँ, मन के आधार पर शूटिंग जरूर होती है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। तो असली राम राज्य तो कहाँ हुआ? त्रेता में ही हुआ। और अगर संगम युग में राम राज्य है भी तो जमुना के कंठे पर होगा या माउंट आबू या सारी दुनिया में कहीं होगा? जमुना के कंठे पर जो राम राज्य होगा उसमें राज्य चलाने वाला कौन होगा? वहां राम होगा या वो राम माउंट आबू में बैठा होगा? राम होगा, माउंट आबू में बैठेगा या जमुना के कंठे पर बैठेगा? जमुना के कंठे पर राम बैठेगा। राम राज्य करने के राम बैठेगा।
अरे जमुना के कंठे पर कन्याएं माताएं राज्य करेंगी, या जो दुर्योधन दुशासन आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे वो राज्य करेंगे? है कन्याएं माताएं ही जो अच्छे कर्म करने वाली होंगी या व्यभिचारिणी, वो ही वहां बैठ करके राज्य करेंगी। उनमें मुख्य कौन है? है यमुना के कंठे पर राज्य करने वाली जो माताएं हैं उनमें मुख्य माता कौन है? कौन झीरे से बोलते हैं? हाँ जोर से बोलो। लक्ष्मी है काशी नगरी, वो राज्य करेगी। अरे काशी नगरी तो बेचारी वजन ढोती है सारी है। सारा फाउंडेशन उसके ऊपर जाता है। जैसे मकान बनता है ना, या कोई महल बनता है किला बनता है, तो उसका फाउंडेशन जब डाला जाता है ना, तो फाउंडेशन नीचे होता है या ऊपर दिखाई पड़ता है? नीचे होता है, वो तो दिखाई नहीं पड़ सकता, वो नहीं किसी को दिखाई पड़ेगा। वो तो बहुत गहरी चीज है, उसको तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ही पहचान पाते हैं। क्या उसकी गहराई तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जैसे श्रेष्ठ त्रिदेव ही पहचान पाते हैं, उनकी पत्नियां भी नहीं पहचान पाती उस श्रेष्ठता को। कि हम जो कंगूरे पर वहां बैठे हैं ऊंचाई पर, उसमें आधार कौन है बैठाने वाला? कौन है आधार? वही अनुसुईया, वही काशी नगरी। वो काशी नगरी जो है वो रुद्रमाला गमन का है। इस जन्म में बहुत बड़ा भाग्य है जो स्त्री चोला मिला है। क्या रुद्रमाला का मणका होते हुए भी क्या स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर का पुरुष है, जन्म जन्मांतर का बड़ा सा राजा है या छोटा राजा है? बड़ा राजा है। तो राजाओं के संस्कार हैं, शाही संस्कार हैं, लेकिन तन तन स्त्री चोला मिला हुआ है। इसलिए वो स्त्री चोला का ज्ञान के आधार पर राम वाली आत्मा के बाद धारणा करने में, ज्ञान के आधार पर योग के आधार पर सबसे जास्ती समझदार आत्मा कौन सी साबित होती है? है रुद्रमाला का जो दूसरा मणका है वही तो साबित होता है। तो दूसरा मणका जो है वो बहुत गहरा है, उसकी गहराई को जो त्रिदेवियां हैं वो भी नहीं पहचान पाती। तो आयरा गहरा ना तू खैरा क्या पहचानेंगे? क्या और हाँ। तो संगम युग में जो राम राज्य है उस राज्य को चलाने वाली कौन है? हाँ लक्ष्मी। आप लक्ष्मी के लिए बोल रहे हैं? हाँ लक्ष्मी होगी, वो ही राज्य चलाएगी। तो वो राम वाली आत्मा बनेगी कि नहीं त्रेता में? और अभी भी राम का सबसे बड़ा गायन जो है गुणों में कौन सा गुण है जो संसार में और भारतवर्ष में बहुत गायन योग्य है गुण, वो कौन सा गुण है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रैक्टिकल पार्ट राम वाली आत्मा इस समय बजाई रही है या लक्ष्मी वाली आत्मा बजाई रही है? है लक्ष्मी वाली आत्मा बजाई रही। तो संगम युग में भी वो ही राम हो गया और त्रेता में भी वो ही राम हो गया। इसलिए राम राज्य बोला गया है। और बोलो बोलो नहीं तो टाइम पूरा हो रहा है। अरे
है ओम शांति। मानस माने मन से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो संकल्पों से सृष्टि रची। जो संकल्पों से सृष्टि रची जाती है वो मनसा की सृष्टि है, ये अभी रची जा रही है। 63 जन्मों में से जो सृष्टि रची गई है वो तन की इंद्रियों से रची गई है। और अभी अभी कौन सी सृष्टि रची जा रही है ब्राह्मणों की, है मनसा के संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। तो ये सृष्टि के लिए गायन है शास्त्रों में, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य वही है जो मन का उपयोग करे, अगर मन का उपयोग नहीं करता है तो मनुष्य नहीं जानवर है। आज की दुनिया में सब धर्मों में अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं, मन से नहीं सोचते, बुद्धि से नहीं सोचते कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अंधश्रद्धा के कर्म कर रहे हैं या श्रद्धा विश्वास भावना के कर्म कर रहे हैं। तो जैसे कि जानवर हैं, भगवान आकर के अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं बताता, भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो अंधश्रद्धा से चलना नहीं सिखाता, समझ के आधार पर चलना सिखाता है। इसलिए बोला बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर मुनि नर ग्रंथ न गावा और सुभान अल्लाह का मतलब अल्लाह के लिए वो गुणगान करते हैं कि अल्लाह जितना शुभ करता है उतना और कोई शुभ नहीं करता, वो ही है जो शुभ को आन करता है, बाकी सब आप कर देते हैं। क्या और धर्म वाले हैं, शुभ को ऑफ कर देते हैं, स्विच होता है ना, तो जो स्विच का जो ऑफ शुभ का जो स्विच है वो अल्लाह ही ऑन करता है, इसलिए वो सुभान अल्लाह। अभी बटन दबाने की बात आएगी नहीं है, तो शिव बाबा है सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह माने माशा माने माश माने बहुत कुछ, एक होता है थोड़ा और एक होता है मास। है हिंसा, हाँ इन माने अंदर और शाह माने बादशाह, बादशाह के अंदर में रहने वाला अल्लाह। अल्लाह खुद आके कहते हैं बच्चे तुम मेरे को सरेंडर होते हो तो मैं तुमको सरेंडर हो जाता हूँ। बाबा भर कहीं भी जाओ बुद्धि से, भर कहीं भी जाओ वो तुम कम सुन करना है, बुद्धि से भर कहीं भी जाओ वो तुम कम सुन करना है। उसका मतलब है बाबा के पास से जल्दी जाओ, भर के ज्ञान के बादल भर के जाओ और कहीं भी घूम के आओ जल्दी से वापस आ जाओ, ये गो सुन और कम सुन। और है किसका विभीषण, वे माने विवे विशेष और भीषण माने भयंकर, जो विशेष भयंकर हो, जो बाहर का सुराग देने वाला होता है वो ज्यादा भयंकर होता है कि घर के अंदर छुपा हुआ कोई दुश्मन होता है और बाहर वालों को सुराग देता है गुप्त बातों का, वो ज्यादा भयंकर होता है, है? तो ऐसे ही विभीषण रावण संप्रदाय के लिए भी माने विशेष और भीषण माने भयंकर था। ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ये सब विभीषण की औलाद हैं।
पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे कि नहीं थे? थे तो कहां से आए? रावण संप्रदाय से आए या राम संप्रदाय से आए? रावण संप्रदाय से आए। तो विशेष भीषण है या कम भीषण है? राम ब्रह्मा कुमारी या भी समझते हैं दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। कौन है? ये जो हमारे परिवार के गए हैं एडवांस पार्टी में, ये ही बड़े बड़े विभीषण हैं। सारा रात जानते हैं। तो तुम लात मारे हुए नहीं हो? तुमको धक्का निकाल के बाहर नहीं किया गया? अरे जो पांडव होते हैं वो पांडव कहे ही तब जाते हैं जब उनको देश निकाला मिलता है। निकलो हमारे परिवार से बाहर, जाओ जंगल में। तो रामायण में महाभारत में कथा कहानियां कहां की हैं? है इसी संगम युग की कथा कहानियां हैं। और भीषम माने भयंकर। कैसे भयंकर? और पितामह माने बाबा। एक होता है पितामह पिता और एक होता है पितामह महापिता। तो बाप का बाप क्या हुआ? महापिता। इब्राहिम जब ऊपर से आता है तो अपने आधार मूर्त में प्रवेश करता है, वो हुआ इस्लामियों का पिता। उसका भी पिता कौन हुआ? जो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त आत्मा को भी जन्म देता है द्वापर के आदि में, वो ही संगम युग में इस समय पितामह है। गंगा का दास है, गंगा की पूजा करता है, गंगा को अम्मा मानता है या किसी दूसरे को अम्मा मानता है? जगदम्बा को मानता है कि लक्ष्मी को मानता है कि जमुना को मानता है? किसको मानता है? गंगा को अपनी अम्मा मानता है। बाल ब्रह्मचारी ने, हाँ बाल ब्रह्मचारी ने होकर शादी किया हुआ है। अरे क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा होगी यज्ञ के आदि में या एडवांस के आदि में, उसने शादी की होगी, भले कोर्ट मैरिज की हो। बौद्ध धर्म की आत्मा होगी बीज रूप, उसने शादी की होगी, बाल बच्चे पैदा किए होंगे। वो थोड़े ही बिना शादी किया हुआ रह पाता है। ये तो इस्लाम धर्म की ही बीज रूप आत्मा है जो सारी जिंदगी शादी नहीं करती है, क्योंकि मुरली में कहा है शादी शादी बर्बादी। तीन पटरानियां बताई है उसको बताओ। नाम बताओ। नाम बनती हो सत्य भामा। पांच के नाम नहीं बताए, तीन के नाम प्रसिद्ध हो गए हैं। हाँ तो रुक्मणी जगदम्बा चंद्रवंशी है। जगदम्बा अलग और रुक्मणी अलग। रुक्मणी जो मणि बनते बनते रुक गई और जगदम्बा माने जाम बनती, दोनों की राशि एक ही है। जामवंती जामवंत की कन्या है। जामवंत का शरीर सिखों जैसा दिखाया जाता है, ऋषि की तरह। शास्त्रों में जो भी चित्र बने हैं वो चरित्र के आधार पर बने हैं या झूठे बने हैं? चरित्र के आधार पर बने हैं। तो दुनिया में ऐसा कौन से धर्म वाले हैं जिनके शरीर पर बाल ही बाल होते हैं? सिख धर्म वाले होते हैं। है सत्यभामा जो सच्चाई में मां बनी, तीनों देवियों के बीच में जो सच्ची सच्ची मां बनी वो सत्यभामा। और महाकाली का पाठ, महाकाली का पाठ जगदम्बा का है। जगदम्बा है सतो प्रधान में और तमो प्रधान में नाम क्या पड़ता है? महाकाली।
जगदम्बा ही महाकाली बनती है। टाइम पूरा हो गया।